बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ब्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ और ख़ास तौर पे एक न्यू न्यूरॉन्स की कैटेगरी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली अगस्त 2018 में डिस्कवर हुए हैं। ये जो हमारा ब्रेन के फंक्शंस होते हैं ये न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और साइंटिस्ट के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन में अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। उसकी मिसाल आप ले लीजिए, हमारी मेमोरी है, हमारे डिसीजंस होते हैं, हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस होता है और जितने भी बॉडीली फंक्शंस होते हैं ये सब न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक न्यू कैटेगरी जो है न्यूरॉन्स की डिस्कवर की है जिनको वो रोज़ हिप न्यूरॉन्स कहते हैं। रोज़ हिप इसलिए कहते हैं कि इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है और ये ज़्यादा बुशी होते हैं, इट मीन्स दे आर मोर इंटरकनेक्टेड। इनको जो कैटेगरी दी गई है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की दी गई है कि ये जो न्यूरोनल फंक्शंस होते हैं उनको ये इनहिबिट करते हैं और इनका खास रोल जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में है। ये वो न्यूरॉन्स हैं जो अभी तक सिर्फ ह्यूमन ब्रेन में ही डिस्कवर हुए हैं और जितने भी लेबोरेटरी एनिमल्स को स्टडी किया है अभी तक ये न्यूरॉन्स उसमें नहीं डिस्कवर हुए हैं। तो शायद जो यूनिकनेस हमारे ब्रेन में होती है, ह्यूमन ब्रेन में होती है, वो शायद उसमें इन न्यूरॉन्स का बहुत अहम रोल होता है जो कि किसी और एनिमल में नहीं है। थैंक यू वेरी मच।